नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगे हैं। हालांकि राजस्थान में कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, जिसे लेकर दोनों ही राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। इसी बीच सीएम योगी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। वही सीएम योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान दौरा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुल 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं डंगूरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो मिशन राजस्थान पर अब बीजेपी एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है, जहां लगातार डिमांड में रहे और फायर ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना दमखम भरते हुए नजर आते हैं, हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है, जहां वो 4 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हर एक प्रदेश में चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं, इसी बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं के जरिए क्या साधने का प्रयास है बीजेपी का? देखिए मुस्कान जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जहां जहां भी चुनाव हुआ है वहां वहां प्रचार करने गए, और उत्तर प्रदेश में भी कई राज्यों के नेता यहां पर प्रचार प्रसार के लिए आते रहे, केंद्रीय मिनिस्टर यहां पर आते रहे। तो ये एक संगठनात्मक जो ढांचा है कि कहीं पे चुनाव होता है तो सब लोग मिल करके वहां पे चुनाव में उतरते हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चाहे वो सभासद का चुनाव हो, चाहे चेयरमैनी का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, और चाहे किसी विधानसभा का चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को गंभीरता से लेती है, और वहां पर जिस प्रकार से डिमांड है माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो वहां के लोग चाह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी आए हमारे प्रचार प्रसार में। जिस प्रकार से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है, अपराधियों के ऊपर अंकुश की जब बात होती है, तो किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं, और कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों की भी जनता ये चाह रही है कि योगी मॉडल जैसा मॉडल हमारे प्रदेश में भी लागू हो। खास करके आप देखिए जो संगठनात्मक अपराध थे, संगठित अपराध थे, उनको उनके निवारण के लिए, उनपे कसनी करने के लिए तमाम सारी नई धाराएं जोड़ी गई, और कई ऐसे मामले थे जिनमें कानूनी लचर व्यवस्था के कारण लोग बच जाते थे, लेकिन हम उन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के तमाम सारे संशोधन किए गए। तो लगातार आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब योगी वन सरकार आई, 6000 से ज्यादा ऐसे अपराधी थे जो कि एनबीएफडब्ल्यू जारी होने के बाद में भी खुलेआम घूम रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का भी काम किया। तमाम सारे दुर्दांत अपराधी थे जिनको जब पुलिस पकड़ने जाती है तो उसमें इनकाउंटर में वो ढेर भी हुए। तो कुल मिलाकर के अपराध पे अंकुश, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से विकास हुआ कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के अंत्येष्टि तक चले गए। लेकिन देखिए केसी जैन जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक राज्य में सक्रिय नजर आते हैं और हर एक राज्य में वो चुनावी प्रचार करने जाते हैं, प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करते हैं, वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से क्या बड़ा बदलाव हो सकता है क्या नतीजों में? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी का जो काम है, अगर उस तरीके की काम की बात वहाँ पे प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो योगी जी का मॉडल यहाँ लागू होगा, तो उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। और मुख्य बात ये है कि जनता वहाँ की चाह रही है, और राजस्थान का जिस प्रकार से आप देखिए कि पहले सुशासन रहता था, और इन 4-5 सालों में जो कुशासन जनता ने देखा है, और लोगों का मुंह बंद करने का काम, पैसा बांट करके जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार कर रही है, रेप के मामले में बच्चों की छोटी छोटी भ्रूण हत्या और रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया है, और जिस प्रकार से पहले अंकुश उस पर लगा हुआ करता था, आज देखिए भ्रूण हत्या के कितने मामले हो रहे हैं, किस तरीके से बेटियों को पेट पे मार दिया जा रहा है, और उसपे कानून है, ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, लेकिन कांग्रेस वहां पे, और साथ ही साथ नशे का कारोबार चाहे पंजाब में हो चाहे राजस्थान में, सब जगह फैलता चला जा रहा है। यानी कि युवाओं को पंग बनाने का काम, साथ ही साथ महिलाओं के साथ अत्याचार, वो चाहे रेप को लेकर के हो चाहे भ्रूण हत्याओं को लेकर के हो, इन सारी चीजों पे अंकुश लगना चाहिए, और ये सारा काम उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। तो बिल्कुल उनकी उनकी जो डिमांड है वहां के नेताओं के बीच में,
और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश को उन्नत बनाने का जिस प्रकार से काम किया है, कितने सारे नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कितनी अच्छी रोडें यहाँ पर बनाने का काम किया, लोगों को आवास देने का काम किया है, लेकिन हाँ रेवड़ी बांटने का काम मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल नहीं किया। अगर उन्होंने योगी वन सरकार जब आई तब उन्होंने किसानों का जो कर्ज माफी किया वो उनका माफ किया जिन्होंने कोई एक भी किस्त अदा की थी, यानी उनकी इच्छा थी कि हम कर्ज लिए तो कर्ज वापस करें, उनका तो कर्ज माफ हुआ। और जो सिर्फ इसलिए कर्ज लेके बैठ जाते हैं कि हम कर्ज ले लें सरकार आएगी तो हमारा सारा कर्ज माफ होगा, उनका कर्ज नहीं माफ किया गया। तो कुल मिलाकर के लाइन ऑर्डर की व्यवस्था बेहतर हो, उत्तर प्रदेश में शासन सुशासन हो, और जिस उत्तर प्रदेश के मॉडल को सारे प्रदेश कॉपी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बंदरबाड़ की जो परंपरा और साथ ही साथ जो गठबंधन की बात कर रहे थे ना कांग्रेस बिल्कुल टूट फूट पे पड़ गई है। इनका जो गठबंधन है बिल्कुल बिखर चुका है, इनके सामने इनके ही लोग लड़ रहे हैं, ये आपस में बुराई भी करते हैं एक दूसरे की दलों की। और जब बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश के सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने रणनीति पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कानपुर दौरा है, जहां वोटर चेतना महाभियान की क्षेत्रीय बैठक में वो शामिल होंगे, जिसके बाद शाम 5 बजे जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जहां बैठक में सदस्यों और ब्लॉक प्रमुख भी शामिल होंगे। वही 5:30 बजे का वो समय होगा जब कानपुर नगर निगम पार्षद दल की बैठक में भी भूपेंद्र चौधरी शिरकत करेंगे। तो जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी, और आज कानपुर दौरे के दौरान कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां आज भूपेंद्र चौधरी शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज कानपुर दौरा है, जहां वोटर चेतना महाअभियान में तो वो शिरकत करेंगे, इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी बड़ी बैठक करेंगे। और अब लगातार बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है, चुनावी मोड में आ चुकी है। इसी बीच वोटर चेतना महाअभियान में भूपेंद्र चौधरी शिरकत करेंगे और ये तमाम कार्यक्रम उद्योग नगरी कानपुर में होने हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए लगातार 2024 की सियासी बिसात को बिछाने में जुटी हुई बीजेपी हर एक मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। जो तमाम नेता तमाम पदाधिकारी हैं वो इस वक्त कई जिलों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनके कानपुर में देखने को मिलेंगे? दीपक बता दें, आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे ही करीब आ रहा है वैसे ही हर पार्टी जो है अपनी रणनीति बना रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी वो आज कानपुर पहुंचने के बाद वो वोटर चेतना अभियान में भी हिस्सा लेंगे, और इसके बाद जो है वो जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद वो इसके बाद जो है नगर निगम भी के जो पार्षद हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे। तो ये देखा जा रहा है जैसे जैसे 2024 चुनाव लोकसभा का नजदीक आ रहा है वैसे ही बीजेपी जो है अपनी रणनीति तैयार कर रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जो है जगह जगह बैठक कर रही है, हर उत्तर प्रदेश के जिले में जा रही है, और बीजेपी जो है कोई रणनीति अपना बना रही है ताकि कोई जो है कोर कसर न छोड़ी जाए, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें का दावा भी कर रही है बीजेपी की। बिल्कुल दीपक, लगातार हम तमाम नेताओं के जो बयान है उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बीजेपी है वो लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल सक्रिय हो चुकी है। लेकिन देखिए बीते दिनों जिलाध्यक्षों के नाम में बड़ा हेरफेर देखने को मिला था, बड़े स्तर पर बदलाव किए गए थे जिलाध्यक्षों के। इसी बीच आज भूपेंद्र चौधरी जब पहुंचेंगे कानपुर में तो वो जिलाध्यक्षों के साथ ही तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए आज क्या संदेश देंगे, क्या जीत का चुनावी मंत्र जो है वो देते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, इसके पहले भी भूपेंद्र चौधरी जो है कानपुर आ चुके हैं और कानपुर में आके जो है बैठक कर चुके हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है जिस तरीके से प्रभारियों में अभी बदलाव किया गया है उसके बाद तुरंत ही आज कानपुर फिर वो पहुंचेंगे और बैठक करेंगे। बैठक में कई दलों के साथ जो उनकी बैठक रहेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, नगर निगम के पार्षद होंगे, तो कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनाव को लेकर बैठक देखी जा रही है, और बीजेपी जो है कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आने के बाद ये तय होगा कि भूपेंद्र चौधरी अपने जिनके साथ बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ या पदाधिकारियों के साथ उनको क्या दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि दिशा निर्देश ये होंगे कि किस तरीके से कानपुर की सीटें जीती जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी।
बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए भूपेंद्र चौधरी आज कानपुर दौरे पर जाएंगे, जहां वो आज पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक तो करेंगे ही, साथ ही जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको जीत का मूल मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी 2024 को लेकर सक्रिय हो चुकी है और इसी कड़ी में भूपेंद्र चौधरी वोटर चेतना महाअभियान में शिरकत करेंगे। तो इन दिनों मौसम में काफी बदलाव हो रहे हैं, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, इसी के साथ सर्दी का आगमन आ चुका है। यूपी में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं सोमवार को मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में AQI लगभग 200 के पार पहुंच गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद का AQI 358, नोएडा का AQI 319, मेरठ का AQI 365 और मुजफ्फरनगर का AQI 247, तो वही प्रयागराज की अगर AQI की बात करें तो 215 और गोरखपुर का AQI 194, वही वाराणसी की अगर AQI की बात करें तो 162 पहुंच गया। वहीं नोएडा का AQI भी 275, प्रतापगढ़ का AQI 132, तो वही प्रदेश की राजधानी लखनऊ का AQI 197 तक पहुंच गया। तो लगातार AQI में एक बढ़ोतरी युकाएं देखने को मिल रही है और सर्दियों के मौसम में हर साल प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण के कारण तमाम बीमारियां होती है, जिससे स्किन एलर्जी, अस्थमा, आंखों में इन्फेक्शन भी शामिल है। लेकिन फॉग और प्रदूषण स्तर काफी कम हो गया है, लेकिन देखिए लगातार प्रदूषण का कहर जारी है और प्रदूषण का असर सीधा सांसों पर देखने को मिल रहा है। से लेके लखनऊ तक की आबोहवा जहरीली हो चुकी है, फॉग और प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है और राजधानी लखनऊ के AQI की बात करें तो AQI 200 के पार पहुंच गया है और नोएडा की भी हवा जहरीली हो चुकी है। वहीं कानपुर में बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते AQI की वजह से लोगों की मौत भी होने लगी है। दीपक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देखिए दीपक, लगातार जो AQI है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम उद्योग नगरी कानपुर की बात करें तो यहाँ पर लाजमी है उद्योग संचालित होते हैं, उद्योगों से धुआं निकलता है और लगातार यहाँ से जो मौतों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, जो मौतें हो रही है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या है कानपुर का AQI? जी आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी भी का मौसम भी आ रहा है वैसे जो है वायु प्रदूषण भी जो है गड़बड़ हो रहा है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में फिलहाल अभी 101 AQI देखा गया है, लेकिन इसके पहले बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे शाम होती, यानी जैसे दिन ढलता वैसे ही प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल जाता है और आसमान में एकदम से धुंध जैसी छाई रहती है। अगर बात करें लोगों की तो लोगों में सांस लेने की जो है समस्या देखी जा रही है, लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं, दवा के मरीज आ रहे हैं, देखा गया है कई लोगों की कानपुर में मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को मुहैया इलाज करवा दे रहा है लगातार। लेकिन ये देखा जा रहा है जिस तरीके से कानपुर उद्योग नगरी है, जगह जगह फैक्ट्रियां हैं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है वो आसमान में खुल जाता है जहरीली तरह, जिससे कि आम लोगों लेकिन नहीं। पर देखिए आपने जिक्र किया कि स्वास्थ्य महकमा सक्रिय है, जिला प्रशासन तमाम पुख्ता इंतजाम कर रहा है जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो सके, प्रदूषण कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आखिर जो गलतियां है, जो खामियां है वो कहाँ पे आ रही है? बिल्कुल आपका सवाल सही है। जिस तरीके से कानपुर उद्योग नगरी और यहाँ कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो शाम होते हुए धुआं छोड़ती हैं और धुआं जो है वो जहरीला बनकर आसमान में आ जाता है। अगर प्रदूषण विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहने की बातें तो होती है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई प्रदूषण बोर्ड की तरफ से देखा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी हैं वो लापरवाह बने हुए हैं, वो ऐसी जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं जिनसे धुआं निकल रहा है उन पर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कागजों में देखा जा रहा है कि हाँ वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।
अगर इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो प्रदूषण और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम भी आ रहा है और अक्सर देखा जाता है जैसे ही सर्दी का मौसम आता है वैसे ही प्रदूषण भी बढ़ता है और कानपुर की हवा इस समय जहरीली बताई जा रही है, जिस तरीके से नापा गया जी। बिल्कुल देखिए, लेकिन दीपक लगातार हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि कानपुर में जो मौतों का सिलसिला है वो भी बढ़ते प्रदूषण की वजह से देखने को मिल रहा है, ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना अलर्ट नजर आया और अस्पतालों में इंतजाम की तस्वीरें कैसी हैं? ठीक है, अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पहले ही दिशा निर्देश दे चुका है कि किसी तरीके से कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अस्पतालों में अलग से बेड की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मरीज जो पहुंचे उनका इलाज सही से हो सके, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कानपुर में कई मौतें भी हो चुकी हैं, उससे भी प्रशासन जो है हड़कंप मचा हुआ है और हर तरीके की व्यवस्थाओं में टूटा हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन कानपुर का हो जी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात